डेंगू फीवर एक बहुत ही खतरनाक फीवर है जिससे हर साल बहुत सारी जानें जाती हैं, और जिस साल ये हेमरेजिक कंडीशन में आता है उस साल तो बहुत सारी कैजुअलिटीज डेंगू फीवर के कारण होती हैं। और उसका कारण एक है कि हम शायद मिस कर जाते हैं इस बुखार को पहचानने में। हालांकि देखिए, बेसिक जानकारी सारे मरीजों को होती है कि हाँ डेंगू में बुखार होता है, सर में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, मरीज को उल्टी भी आ सकती है, नोजिया होता है, जोड़ों में दर्द होने वाली। आप अगर ये नहीं पहचानेंगे कि खतरा कब शुरू होता है तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह या जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक्चुअल में खतरा कब शुरू होता है, कब डेंगू खतरनाक हो जाता है। तो देखिए, ये जब भी शुरुआत होती है लक्षणों की तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो आप प्रिकॉशंस आप लें, अपनी मर्जी से दवाई ना खाएं, डॉक्टर को जरूर दिखा लें, डॉक्टर की सलाह से ही दवाई खाएं। पैरासीटामोल जनरली सेफ होती है, कोई दूसरा पेन किलर जैसे ब्रूफेन है या डिस्प्रिन जैसी दवाइयां ना खाएं, क्योंकि इनसे ब्लीडिंग हो सकती है आपके शरीर में। वैसे ही डेंगू के मरीज को ब्लीडिंग होने का ज्यादा खतरा होता है, तो उनको कभी भी यूज ना करें। लेकिन खतरा कब शुरू होता है? देखिए, खतरा तब शुरू होता है जब आपको ब्लीडिंग के साइन शुरू हो जाते हैं। और ब्लीडिंग के साइन क्या होते हैं? आपके अगर शरीर पे कोई भी लाल रंग के चकत्ते दिखने लगे तो ये समझना चाहिए कि ब्लीडिंग के लक्षण है और आपको प्लेटलेट को वॉच करना चाहिए। सिर्फ अकेले प्लेटलेट देखने से बात नहीं बनती है, ऐसा भी देखा गया है कि प्लेटलेट्स 15-20 हज़ार तक भी पहुंच जाती हैं और कोई ब्लीडिंग साइन नहीं आते, कोई खतरे की बात नहीं होती। हाँ, अगर ब्लीडिंग के साइन दिखे तो फिर हमें ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा साइन होता है कि मान लो आपके ब्रश करते समय दांत से या मान लो नाक से या लेटरिन से अगर ब्लड आ जाए तो फिर आपको फटाफट होशियार हो जाना चाहिए और फटाफट से आपको अस्पताल जाना चाहिए। लेटरिन अगर आपकी काले रंग की आने लगे तो ये भी एक इंडिकेशन होता है ब्लीडिंग का। तो मान लो अगर अपर जीआई ट्रैक्ट में कहीं पे ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लड नीचे पहुंचते पहुंचते काला हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी लेटरिन का कलर भी काला हो जाता है, तो ये भी एक ब्लीडिंग का साइन होता है। अगर पेट फूलने लगे, पेट में दर्द होने लगे, तो ये भी इंडिकेशन होता है इंटरनल ब्लीडिंग का। तो ऐसा अगर कोई भी लक्षण है तब आपको इमिडिएटली ध्यान देने की जरूरत है और बिना देर किए अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होगी मरीज को। बात ये भी आती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज कब करें, तो ये अगर लक्षण आते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ती है। उसमें एक चीज के लिए और लोग परेशान होते हैं, मान लो आपका मरीज किसी निगेटिव ग्रुप का है, मान लो ए बी निगेटिव ग्रुप है या बी निगेटिव ग्रुप है, तो आपको जब डॉक्टर कहता है आपको ब्लड अरेंज करना है तो आप वही निगेटिव पेशेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो डेंगू में देखिए, एक अच्छी बात है, अगर आप पूरा ब्लड नहीं चढ़ा रहे, एक कॉम्पोनेंट होता है फुल ब्लड अगर नहीं चढ़ा रहे हैं तो आपको इसके मैचिंग की जरूरत नहीं होगी। हाँ, होल ब्लड अगर चढ़ेगा तो उसमें आपको सेम ब्लड ग्रुप का मैचिंग करके ब्लड चढ़ाना पड़ता है, लेकिन अगर सिर्फ प्लेटलेट चढ़ाई जा रहे हैं तो वहां पे किसी भी ब्लड ग्रुप का जो प्लेटलेट्स हैं वो किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज को दी जा सकती है। हालांकि उसमें कुछ प्रिकॉशंस रखने की जरूरत होती है, लेकिन वो डॉक्टर उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो फिर उसमें भी आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक बार आता है कि भाई आप रिपोर्ट कैसे देखते हैं, कई बार हम सिर्फ प्लेटलेट प्लेटलेट कराते जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट वॉच करना चाहिए, लेकिन कंफर्म करने के लिए एक तो होता है एनएसवन एंटीजन। अगर आपको एनएसवन एंटीजन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डेंगू बुखार है। एक होता है जो एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं, जिसको हम सीरोलॉजी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक डेंगू IgM होता है, एक IgG होता है। तो अगर IgM पॉजिटिव है और IgG भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब अभी आपको इन्फेक्शन हुआ है और अब इन्फेक्शन जाने वाला है। सिर्फ IgM पॉजिटिव है, IgG निगेटिव है तो ये बिल्कुल रिसेंट फ्रेश इन्फेक्शन है। लेकिन अगर आपका IgM निगेटिव है, IgG पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि आप इन्फेक्शन चले गया जा रहा है, क्योंकि IgG तब पॉजिटिव होता है जब इन्फेक्शन जाने लगता है, और IgG महीना 1.5 महीने तक भी पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर आपने कोई टेस्ट करा और उसमें सिर्फ IgG पॉजिटिव आ रहा है तो उस पर घबराने की जरूरत नहीं, इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन जा चुका है। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक जानकारी तो सबके पास है, बट ये कुछ ऐसी एक्सपर्ट जानकारी है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारे मरीजों की, अपने परिवार वालों की जान बचा सकते हैं और उनको खतरे से रोक सकते हैं। तो प्रिकॉशंस लें, आसपास साफ पानी इकट्ठा ना होने दें, बर्तनों को हर हफ्ते में या हफ्ते में 2 बार खाली करते रहें, नेट लगा के सोएं, घर में कोई मरीज है तो उसको नेट में सुलाएं, बाकी लोग भी नेट में सोए, तो इस तरीके से आप इस बीमारी को फैलने से भी रोक सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।